Good morning, dear students. You are welcome to your online English class. This is class 3 English lesson 1 Magic Garden. Video के इस part में हम देखेंगे Magic Garden lesson के question answer और book exercise. So let's start. Our next topic is reading is fun. And this is the first topic of this video. You have question answer. Question 1. Why did the flowers love the little children? Flowers छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं? तो इसका answer क्या होगा? The flowers loved the children because the little children used to take care of them. Flowers little children को love करते हैं क्योंकि little children उनकी देखभाल करते हैं. कैसे करते हैं? They used to water their thirsty roots and dig the ground well. वे उनके प्यासे roots को पानी देते हैं और ground को dig करते हैं. Dig करना means खोदना. तो अच्छे से ground भी खोद देते हैं जिससे कि उसे हम हिंदी में गुड़ाई कहते हैं. Gardener ऐसा काम करते हैं. तो उनके जो पानी है वो उनके roots तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन. बर्ड्स चिल्ड्रन को क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन यूज टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम. अब बर्ड्स चिल्ड्रन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि चिल्ड्रन उनके लिए ब्रेड लाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन. मैजिक गार्डन में उगने वाले फाइव फ्लावर्स के नाम लिखने हैं. तो वे कौन कौन से हैं? सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड्स, पेंसीज, पॉपीज एंड रोजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन. अब चिल्ड्रन गार्डन में किस तरह का साउंड सुन सकते हैं? तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन कुड हियर द फेरीज सिंग सॉन्ग्स इन द गार्डन. तो फेरीज के गानों को गार्डन में सुन सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइम है टॉक टाइम. टॉपिक है अपना, क्वेश्चन 1 है इससे रिलेटेड रोजेस. टॉपिक इस पोयम का रोजेस है. तो देखिए क्या कहते हैं. आई लाइक रोजेस. मोस्ट रोजेस आर रेड. सम आर वाइट. सम आर येलो. आर देयर ब्लू रोजेस? आई हैव सीन एनी ब्लू. आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस. विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर? लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश. ये बोल रहा है कि मुझे रोजेस पसंद हैं. कुछ रोजेस रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ येलो होते हैं. क्या कोई ब्लू रोजेस होते हैं? मैंने कभी भी कोई ब्लू कलर का रोज नहीं देखा है. तो ये बताओ कि आपका फेवरेट फ्लावर क्या है और उसका नाम आपको इंग्लिश में बताना है. सो यहाँ पर आंसर है आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस. इसका ये ब्लू रोज होता है, आपने देखा नहीं है बट होता है. तो आपका यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लावर? Learn its name in English. So you can write your favorite flower. My favorite flower is rose. यहाँ पे rose लिख लिया हुआ है. So next topic is say aloud. आपको जोर से बोलना है. क्या बोलना है? Little, people, purple, happily, sleepily, proudly, slippery, thirsty, pretty. इनको आप बार बार पढ़िए ताकि आपसे ये रीडिंग करते बने. अब नेक्स्ट है टीम टाइम. एक्टिविटी है ये. आपको ये एक्टिविटी टीम में करनी है. मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक. आपको फ्लावर स्क्रैप बुक बनाना है. स्क्रैप बुक ऐसी बुक होती है जिसपे वन साइड में हार्ड पेज होते हैं और एक साइड में लाइनिंग वाले पेज होते हैं. हार्ड पेज में आपको फ्लावर्स को पेस्ट करना है और लाइनिंग वाले पेज में उनके बारे में कुछ लिखना होता है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है. कलेक्ट फाइव फ्लावर्स. आपको फाइव तरह के फ्लावर्स को कलेक्ट करना है. नेक्स्ट पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक. अब हर फ्लावर को बहुत ही सावधानी से ओल्ड बुक के पेज में रखना है. प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन द टॉप ऑफ ओल्ड बुक. लीव इट फॉर सम डेज. अब जिसमें आपने रखा उसे क्या करना है? पलट देना आराम से. फिर उसके ऊपर हैवी बुक्स रखनी है कुछ बुक, उस बुक के ऊपर उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है.
ऐसा करने से क्या होगा, देखो वो फ्लावर्स थोड़ा सा सूख जाएंगे और आप उन्हें इजली पेस्ट कर सकते हो। स्टिक द प्रेस फ्लावर केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। ऐसा करने से पेस्ट हो गया फ्लावर, तो आपको पेस्ट करना स्क्रैप बुक में इजी हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, और हर फ्लावर का आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। अब ना वर्ड बिल्डिंग है, नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन द गार्डन। तो आपको हर पेटल के बारे में टू वर्ड्स लिखने हैं जो आप गार्डन में देखते हो। सो वर्ड बिल्डिंग में आपको यहाँ पर जैसे ये पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या करना है, टू वर्ड्स लिखने हर पेटल्स में। ये एक फ्लावर बना के दिया हुआ है जो आप गार्डन में देखते हो, तो उन सब के बारे में टू वर्ड्स लिखने। इंसेक्ट से रिलेटेड टू वर्ड्स, ट्रीज रिलेटेड टू वर्ड्स, बर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड्स, टूल्स रिलेटेड टू वर्ड्स एंड फ्लावर्स रिलेटेड टू वर्ड्स। ओके, तो चलिए हम इसे लिखते हैं। अब इंसेक्ट कौन कौन से हैं, बटरफ्लाइज, बीज, ट्रीज, तो नाम लिख दीजिए ट्रीज के, नीम, मैंगो, फ्लावर्स, रोजेस, सनफ्लावर्स, टूल्स, स्पेड, ग्रास कटर, बर्ड्स, स्पैरोज एंड पैरट्स। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, लेट्स राइट। क्वेश्चन वन है, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक। आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तो वो कैसे दिखाई देता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, माय गार्डन विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, मेरा गार्डन बहुत सुंदर दिखाई देगा। इट विल हैव सेवरल फ्लावर्स, इसे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, रोजेस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर्स, हिबिस्कस, डहलियास, पेंसीज, जैस्मिन एक्सेट्रा। इट विल हैव ट्रीज लैडन विद फ्रूट्स, एप्पल्स, मैंगोज, गुआवास, पॉमग्रेनेट एक्सेट्रा। तो इसमें ट्रीज होंगे जो फ्रूट से भरे होंगे। इट विल बी वेरी क्लीन एंड फुल ऑफ ग्रीनरी, यह बहुत साफ होगा और हरा भरा होगा। अब क्वेश्चन टू है आपका, व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, आप अपने गार्डन में क्या उगाना चाहेंगे। राइट थ्री सेंटेंस गिविंग द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। आप थ्री सेंटेंस लिखिए फ्लावर्स का नाम लिखते हुए जो आप अपने गार्डन में उगाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट है, इन माय गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो, यू कैन राइट इन माय गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस। अब रोजेस नहीं, कुछ और अगर आप ग्रो करना चाहते तो रोजेस की प्लेस पे वाले फ्लावर का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट, इन माय गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो, सो व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो, सनफ्लावर्स। इसकी जगह भी आप दूसरा फ्लावर लिख सकते हो। नेक्स्ट, इन माय गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो डेजीज, जो भी फ्लावर्स आप ग्रो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। सो स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, तो आप इसे अच्छी तरह से अपनी बुक में भी कर लीजिएगा और कॉपी में भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बुक और कॉपी दोनों में से कंप्लीट कर लीजिएगा, और सिर्फ कंप्लीट करने से आपका काम नहीं हो जाएगा, यू हैव टू लर्न इट आल्सो। सो हम मिलते हैं इसी चैप्टर की, जो आपका यूनिट वन है जिसमें आपके पोएम है गुड मॉर्निंग अ मैजिक गार्डन, इसकी रिवीजन वर्कशीट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।